हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। आज मैं कई दिनों बाद आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल सिंपल एंड टेस्टी खाने को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की कतलियाँ। इसके लिए मैंने लगभग 1 किलो आलू लिए हैं। ये मैंने पर्पल कलर के आलू लिए हैं जो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं। सभी आलूओं को मैंने छीलकर धो लिया है। अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काटेंगे। इसके टुकड़े ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए ना ज़्यादा पतले, इस प्रकार होने चाहिए। आलूओं को मैंने काट लिया है। अब इन्हें अच्छी तरह 3-4 बार धो लेंगे। आलू की सूखी सब्जी बनाते समय यदि इन्हें काटने के बाद अच्छी तरह धो लिया जाए तो ये कढ़ाई से चिपकते नहीं है। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे। इसके बाद 1/2 चम्मच जीरा। दोनों चीजें अच्छी तरह भून चुकी है। अब इसमें आलू डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। मैं इसमें 4 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने बीच में से चीरा लगा दिया है डाल रही हूँ। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतनी मिर्चें डालिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। अब इसे बीच बीच में से हिलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर 50% तक पकाएंगे। आलू 50% तक पक चुके हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले स्वादानुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप मसाले अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन्हें कुछ देर तक और पकाएंगे। आलू की कतली बनाने में जितनी ज़्यादा सिंपल होती है खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। आलू गल चुके हैं। अब इसमें थोड़े से और मसाले डालेंगे। ये मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इन सभी मसालों को इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 3-4 मिनट तक और पकने देंगे। आप गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आलू की कतली की सब्जी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।